डायबिटीज इंडिया में राइट नाउ नंबर वन कल्प्रिट है मोर्टिलिटी का। अराउंड 100 मिलियन इंडियन डायबिटिक है और 136 मिलियन इंडियन प्री डायबिटिक है। तो अराउंड 20-25 पॉपुलेशन इंडिया की या तो डायबिटिक्स है या उनको डायबिटीज होने का खतरा है। आपने डिफरेंट तरह के रिस्क फैक्टर जैसे कि आपके खाने पीने की हैबिट, आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्लीप पैटर्न, आप कितनी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, ये आपके जेनेटिक फैक्टर के बारे में सुना होगा जो कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर होते हैं। बट रिसेंटली एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश हुई जिसके अंदर दावा ये किया गया है कि ब्रिटिश इरा के अंदर जो उनका 190 ईयर का ड्यूरेशन था उसके दौरान इंडिया में काफ़ी सूखा पड़ा था, यानी कि हर 6 से 7 साल में का सूखा पड़ता था। अगर हम ब्रिटिश इरा से पहले का समय देखें तो 2000 साल में अराउंड 17 टाइम सूखा पड़ा था, यानी कि हर 50 साल में का सूखा पड़ता था। एक तरफ 50 साल में का सूखा पड़ा, एक तरह 6 से 7 साल में एक बार सूखा पड़ा है। इसकी वजह से क्रॉनिक स्टार्वेशन की वजह से आपकी जेनेटिक में कुछ चेंजेस हुए जिनको हम बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। इन चेंजेस की वजह से हो क्या रहा है कि बॉडी जब भी कोई खाने पीने की चीज़ आप लेते हैं तो बॉडी पहले कोशिश करती है उसको फैट में तब्दील करने की। फैट में भी वो विसल फैट में आती है, जैसे लीवर के अंदर फैट का डिपोजिशन होना, कार्डिक टिश्यू के अंदर फैट का डिपोजिशन होना या विसल फैट को बढ़ाती है। आपकी बॉडी थिन लगती है बट आपको एब्डोमिन ओबेसिटी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ में आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो गई और इसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे इंसुलिन की इंटॉलरेंस बॉडी की होगी क्योंकि बॉडी को उस एनर्जी को रिजर्व करना था। अब क्योंकि लास्ट 40-60 ईयर से आपके खाने पीने की हैबिट चेंज हुई बट आपकी जेनेटिक उसी हिसाब से अडेप्टेड है, इसकी वजह से आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ गया। बस लाइपोप्रोटीन ए भी इस समय काफ़ी बढ़ा क्योंकि उस समय स्कर्वी की वजह से लाइपोप्रोटीन एक तरह का स्कर्वी प्रिवेंशन की तरह काम करता है बट एक रिस्क फैक्टर है कार्डियोजेनिक टॉक्सिसिटी का, तो वो बढ़ गया। अब आपके पास 2 फैक्टर हो गए, एक तो आपका मेटाबॉलिक रेट चेंज हुआ प्लस लाइपोप्रोटीन ए भी हुआ जिसकी वजह से आपको डायबिटीज प्लस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का चांसेस बढ़ गए।